नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ भू राजस्व संबंधी सुधार के बारे में बताया था, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कमेंट किया, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने कहा सर हाईएस्ट लेवल का है। देखिए दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम किसी चीज की तैयारी करें तो वो हाई लेवल का ना हो, ठीक है। लो लेवल से ही हाई लेवल होता है और हाई लेवल से भी लो लेवल आया जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया है, हम जानबूझकर ऐसे ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं ताकि आपको कम मेहनत में ज्यादा सवाल आप कवर कर लें, क्योंकि आपको एक या दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, आपको मिला जुलाकर कुल 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपके एग्जाम में। और जो हर सब्जेक्ट जैसे क्वेश्चन 4 या 5 आने हैं जीएस में, जैसा कि आपको रवि सर ने सारी चीजें बताई हुई हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया है वो है आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। आधुनिक भारत की जनरली शुरुआत आप कहेंगे कि सर वास्को डी गामा से ही हो जाती है 1498 में, जब वो भारत आया था। उसके बाद फिर आप कहेंगे सर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के पहले डच आए थे, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर पलासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधियां हुई। लेकिन इन सारी चीजों को आधुनिक भारत में तो रखा तो जाता है, लेकिन इस समय मध्यकालीन फेज भी चल रहे थे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो भारत का आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1857 क्रांति के समय, उसके बाद मुगल बादशाह की पदवी समाप्त हो जाती है और भारत में क्या है कि राजा वाली जो प्रथा थी कि एक सर्वश्रेष्ठ बादशाह होगा उसको समाप्त कर दिया जाता है। हम आपको चाहते तो वहां से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन जैसा कि आपका पेपर रीडिंग हमने देखा, और यही नहीं इसके साथ साथ एग्जाम के पूछने के जो एग्जाम में पूछने वाले सवाल के पैटर्न है उसकी शुरुआत हम कांग्रेस से करेंगे। ऐसा नहीं इन सारी चीजों को बृहद रूप से बहस में पढ़ाया जाएगा, पर बस आपका एक रिवाइज पोर्शन के लिए इस पोर्शन को उठाया गया है और यहां से आप देखिएगा 1, 2 या 3 सवाल आपको पक्का यहां से आ जाएंगे, ये डैम श्योर है, यहां से आपको आने ही आने हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो हुई थी 1858 का अधिनियम आया था। और 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां हैं वो कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। क्राउन मतलब राजा, ठीक। और यही रीजन है कि उसी 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में बुद्धिजीवी वर्गों का विकास हुआ। जैसे 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटेन में जाकर आईसीएस की परीक्षा टॉप की। आईसीएस, जिसको हम प्रेजेंट डे में आईएएस के नाम से जानते हैं, यह परीक्षा पहले भारत के बाहर मतलब ब्रिटेन में होती थी और वहां पर जाकर देनी पड़ती थी। तो जब बुद्धिजीवी वर्गों का विकास होने लगा और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों में लीडरशिप की भावना भी आ गई और भारत की तमाम जगह पर छोटी छोटी गतिविधियां, मतलब कहीं पर किसान विद्रोह चल रहे थे, कहीं पर जनजातीय विद्रोह चल रहे थे, छोटे छोटे विद्रोह चल रहे थे। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि क्यों ना भारत का ध्यान कहीं और केंद्रित किया जाए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इस पर प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा। तो क्या हुआ कि भारत के ध्यान को, भारतीयों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में एक राजनीतिक पार्टी लाई जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जबकि आप जानते हैं कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में 1885 में कांग्रेस आया और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। रीजन क्या है कि कमेंट्स में कई लोगों ने कहा था कि सर आप लिख दिया करिए तो समझा गया, इसलिए हमने वही पैटर्न को अपनाया है। तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारत में कांग्रेस आया। कांग्रेस एक नेशनल मतलब पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक सवाल बहुत प्रसिद्ध होने लगा कि भारत में कांग्रेस लाने का श्रेय और कांग्रेस का नाम बदलकर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है दादा भाई नौरोजी को। एक एक पॉइंट को एकदम आराम से लिखते चलते हैं ताकि आप भी साथ में लिखते चलिएगा। तो हमने क्या कहा, भारत में कांग्रेस किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आया, ठीक। और भारत में कांग्रेस लाने का श्रेय और कांग्रेस का नाम बदलकर आईएनसी करने का श्रेय एक पारसी व्यक्ति को जाता है जिसका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। अब भाई भारत में राजनीतिक पार्टी आई,
तो राजनीतिक पार्टी आ रही है तो जाहिर सी बात है उसके कोई सचिव होगा, जैसे भाजपा के कोई सचिव होंगे, सपा पार्टी के कोई होंगे, बसपा के कोई होंगे। तो उसी प्रकार भारत में जो सचिव बनाए गए शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के, वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। ध्यान सुनिएगा, एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था एओ ह्यूम और उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये सवाल पूछा गया है कि एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो हमने क्या कहा कि भारत में कांग्रेस के जो सचिव बनाए गए, कौन सचिव बनाए गए, वो एक रिटायर्ड यूरोपीय आईसीएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड यूरोपीय आईसीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब भाई भारत में कांग्रेस आया है, कांग्रेस लाना इसलिए इनके जरूरी था कि ये भारत में जो छोटी छोटी गतिविधियां हो रही हैं उनका ध्यान एक राजनीतिक पार्टी की तरफ केंद्रित करो, ये लोग आपस में लड़े, जैसा कि राजनीतिक पार्टियां आज होती है जो आपस में लड़ाती, हुआ भी ये काफी हद तक सक्षम भी रहे, जैसे नरम दल गरम दल कांग्रेस का हो गया, जैसे गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी में मतभेद हो गए, तो कांग्रेस पार्टी आने से अंग्रेज काफी हद तक सफल रहे। लेकिन ये कांग्रेस ने भारत को ज्यादा सफलता दिला दी, क्योंकि जगह जगह पर अधिवेशन होने लगे, और जब जगह जगह पर अधिवेशन होने लगे तो जो अध्यक्षता करते थे अधिवेशन की, वो अपनी बातों को आम जनता तक और आम जनता की बातों को खुद तक लाते थे। यही रीजन है कि गांधी ने कहा था कि भारत में कांग्रेस लाना, अंग्रेजों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और उन्होंने यही कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, पुणे, इस समय कोरोना वायरस का समय है आप जान ही रहे होंगे, पुणे में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग चूहे के द्वारा फैलने वाली बीमारी है और यह भारत में बहुत बड़ी महामारी थी। यही कारण है कि कांग्रेस का अधिवेशन पुणे के स्थान पर बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 को, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसीलिए अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए सारे अधिवेशन के बारे में भी नहीं पढ़ाएं, केवल जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हम बताते चल रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, ठीक, कौन सा प्रथम अधिवेशन जो हुआ, वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी के व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। सवाल यह भी आता है जुड़ा हुआ कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये तमाम प्रकार के जो महत्वपूर्ण सवाल है यहां से बनते हैं, तो हम आपको बताते चलते हैं। 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ, और यहां पर जिन्होंने अध्यक्षता की वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपको कभी भी पूछा गया कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज यूले ने, जो कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। तो कांग्रेस में कब आया? डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस का नाम बदलकर आईएनसी करने का श्रेय किसे गया? दादा भाई नौरोजी को, जो एक पारसी व्यक्ति थे। और भारत में कांग्रेस का सचिव किसे बनाया गया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को।
इसके साथ साथ कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में व्योमेशचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इस पोर्शन को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है वो होता है बंगाल विभाजन। इसको डिलीट कर दिया जाता है, इसको हम इरेज कर देते नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। तो इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है वो है बंगाल विभाजन। ऐसे ऐसे चुनिंदा टॉपिक को उठाया दोस्तों जहां से आपके सवाल बनना पक्का है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब सवाल बनना स्टार्ट होगा आपका, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जब पूरा पेपर रीड करते हैं फिर यहां खड़े होते हैं कि कहां से कैसे सवाल बन सकते हैं। और यही रीजन है कि हम जब मेहनत करते हैं तो हमें कमेंट्स भी अच्छे मिलते हैं। आपको बस मेहनत करनी है, आपको नौकरी लेनी है, बिना नौकरी के जिंदगी में कुछ नहीं होता है, लोगों का व्यक्तित्व तो देखने का नजरिया बदल जाता है। एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला इंसान अगर महीने में 1,00,000 रुपए भी कमा रहा है और एक सरकारी नौकरी में क्लर्क भी है कोई महीना में वो 22,000 कमा रहा है तो भी लोग उसको अच्छी नजर से देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अभी देखिए इस बीच लॉकडाउन है प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोगों की छटनी की गई, लेकिन सरकारी नौकरी वालों को तो वेतन दिया जा रहा है, भले उनके वेतन में कटौती कर ली जा रही है। ये एक परमानेंट चीज है आपकी लाइफ की जो आपके साथ रहती है, इसीलिए आप इस पर टारगेट करिए दोस्त। मौके बार बार नहीं आते हैं, एक बार आते हैं और आपको उसको हासिल करना पड़ेगा। व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देन यू हैव अ थाउजेंड ऑफ ऑप्शन। अगर आपके पास लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आपके पास हजारों ऑप्शन रहते हैं, आप क्या कर लें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि हमें यह करना है, तब हम सिर्फ वही कर पाते हैं और थाउजेंड ऑप्शंस को इग्नोर कर देते हैं। लाइफ इज योर इन योर हैंड कि आपको थाउजेंड ऑप्शंस में मेहनत करनी है कि वन ऑप्शंस पे। चलिए, बात क्या था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। कर्जन इसने क्या कहा, जो पक्ष इसने सामने रखा बंगाल विभाजन के, इसने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिस पर अकेले जनरल का शासन करना संभव नहीं है। लेकिन मुद्दा यह नहीं था, बंगाल जो था वो क्या था, बुद्धिजीवी वर्गों के साथ साथ क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था, और यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम एकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी जिसे कर्जन दो भागों में तोड़ना चाहता था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि वो बंगाल को विभाजित करना चाहता है क्योंकि उस पर अकेले जनरल का शासन करना संभव नहीं है। उस समय बंगाल माने उसमें बिहार था, उड़ीसा का क्षेत्र था, बांग्लादेश था, असम थे, पश्चिम बंगाल स्वयं जो वर्तमान में है वो भी था। यही कारण है कि लॉर्ड कर्जन ने 18 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया। इसने यह प्रस्ताव लाया कि हम बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देंगे, और इसी प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, समझिएगा बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी और बहिष्कार। इसलिए कभी आपको पूछा गया कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। यह आपसे पूछा गया कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया कब गया, तो 7 अगस्त 1905 को। यह कहां पर शुरुआत हुई, तो कलकत्ता में, और 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया।
पहला था पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता बनी, और दूसरा था पूर्वी बंगाल और असम जिसकी राजधानी ढाका बनी। और बंगाल विभाजन के समय ही बहुत प्रचलित सवाल है, इस बीच कई सारे एग्जामों में आ रहा है, पीसीएस लोअर में भी था, सिपाही के एग्जाम में भी था, मंडी में भी था। बंगाल विभाजन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किसने की, या हो सकता है अगर सवाल को टिपिकल करें तो इस प्रकार पूछा जाए कि अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा कब गया, तो बंगाल विभाजन के तहत। और 1911 में क्या हुआ कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो बहुत ज्यादा ही उपद्रव होने लगा, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ सब जाने लगे, तो इसीलिए तमाम प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों को नष्ट करने के लिए 1906 में अरुणडेल समिति की एक सिफारिश आई कि बंग भंग को रद्द कर दिया जाए, और अरुणडेल समिति की सिफारिश के तहत 1911 में बंग भंग रद्द कर दिया गया। तो हमने क्या कहा कि 1906 में अरुणडेल समिति, देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम आपको टच कर रहे हैं, अरुणडेल समिति के तहत 1911 में बंग भंग रद्द कर दिया गया। बंग माने बंगाल, भंग माने विभाजन, तो मतलब बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस चीज को आपको लिखना है तो लिख लीजिए। बात क्या है कि जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी तो ऐसा ही नहीं था कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में ही चल रही थी, ये क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के बाहर दूसरे देशों में भी चल रही थी, जैसे कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक, जैसे होम रूल सोसाइटी, लीग नहीं, होम रूल लीग दूसरा है, होम रूल लीग की स्थापना पुणे तथा बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था, और होम रूल लीग का जो मुख्यालय है वो अडयार मद्रास में था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, होम रूल सोसाइटी और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये दोनों ऐसी क्रांतिकारी संगठन थी जो भारत की सरजमी के बाहर स्थापित हुई थी। और इसीलिए एक सवाल आता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, तो कभी गलती से पंजाब या भारत मत टिक कर दीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। तो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत के बाहर क्रांतिकारी संगठन। ये जो आज की क्लास है ना, एक सिनॉप्सिस है, ये आपका एक पहलू तैयार हो रहा है कि आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को हम लिखाते चल रहे हैं। बाकी इनकी व्याख्याएं बैच में होंगी, जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्था के द्वारा लेखपाल का बैच रन हो रहा है, तमाम प्रकार की जानकारियां नीचे स्क्रोल पर दी हुई है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगला जो पोर्शन है वो है भारत के बाहर क्रांतिकारी संगठन, इसको डिलीट कर दिया जाता है। दो संगठन महत्वपूर्ण है, पहला है होम रूल सोसाइटी, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, होम रूल सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। और कभी भी आपसे पूछा गया कि भारत की सरजमी के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा है, तो भारत की सरजमी के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन होम रूल सोसाइटी है। हम फिर से कहेंगे ये होम रूल सोसाइटी है, होम रूल लीग नहीं है, होम रूल लीग दूसरी चीज है, जिसकी स्थापना पुणे तथा बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना
लंदन में हुई थी और इसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा ने। और क्या कहा हमने कि भारत की सरजमी के बाहर स्थापित होने वाला, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं इसलिए एकदम धीमे से बोल रहे हैं, मतलब आराम से, कि भारत की सरजमी के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन जो था वो कौन था? होम रूल सोसाइटी। यही नहीं, खास बात क्या है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में, देखिए ये भी सवाल पूछा जाता है, अब ये लास्ट ईयर पूछा गया था सवाल, ठीक है, वीडियो एग्जाम में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। जैसे अभी भारत में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताए, वैसे अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। और अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मैडम भीकाजी कामा, कौन समझिएगा, मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था और इनके तिरंगे का जो रंग था वो था लाल, हरा और पीला। अगर आप लोग फुटबॉल मैच देखते होंगे तो जर्मनी के झंडे में रंग है कौन सा? लाल, पीला और काला। इन्होंने काले की जगह हरा का प्रयोग किया। खास बात यह नहीं कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, खास बात यह है कि ये भारत की सरजमी के बाहर स्वतंत्रता संग्राम में, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिखते रहिए, भारत की सरजमी के बाहर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला मैडम भीकाजी कामा थी। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि सर भारत में कौन होगा, तो जैसे बेगम हजरत महल जिन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ में उसका नेतृत्व किया था, जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला बेगम हजरत महल थी, उसी प्रकार भारत के बाहर स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले हिस्सा लेने वाली महिला मैडम भीकाजी कामा थी। और मैडम भीकाजी कामा को भारत की क्रांति मां भी कहते हैं। यही सवाल आया था पिछली बार एग्जाम में कि भारत की क्रांति मां किसे कहा गया, तो भारत की क्रांति मां हम किसको कहते हैं? मैडम भीकाजी कामा को। क्लियर। दूसरा जो संगठन था ये बहुत जरूरी था, यहां से सवाल आपको अक्सर बन जाते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए आप। दूसरा जो संगठन था वो था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये क्या था, क्यों जरूरी है, कई लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना ने किया था। किसने किया था? सोहन सिंह भकना ने। समझिएगा। और इसी एसोसिएशन मतलब इसी संगठन से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी और उस पत्रिका का नाम था गदर पत्रिका। और यह पत्रिका कुल 6 भाषाओं में प्रकाशित होती थी और सर्वप्रथम यह पत्रिका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि यह सवाल पूछा जाता है कि गदर नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, सबसे गदर नामक पत्रिका सर्वप्रथम किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो यह पत्रिका सर्वप्रथम उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। और जब सोहन सिंह भकना का देहांत हो गया तो उन्होंने सारा कार्यभार लाला हरदयाल जी के हाथ में सौंप दिया और लाला हरदयाल जी ने इसका पूरे का पूरे संगठन का नाम बदलकर 1913 में, यह डेट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। और अगर आपसे यह पूछा गया कि गदर पार्टी को हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद एसोसिएशन ऑफ
अमेरिका। यह आपसे पूछ दिया गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। यह आपसे यह पूछ दिया गया कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भकना ने किया था। समझ गए? चलिए इसे लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए अगली जो खास बात थी वो थी राजधानी स्थानांतरण, ठीक, जो कि हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। और ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित सवाल, हम जान रहे हैं आज जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसमें से कई सारे हमारे दोस्तों के जिनको ये चीजें पता है, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। हम जैसे उस दिन भू राजस्व की बातें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक को संग्रहित कर दिए, उसी प्रकार आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन हुए हैं उनको भी एक जगह में संग्रहित कर दे रहा हूं आज, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए, फिर इनकी व्याख्या तो की ही जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्त, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जब बुक में कोई चैप्टर खत्म करते हैं तो उसके पीछे सिनॉप्सिस दिया रहता है, सिनॉप्सिस या समरी। और हम क्या करते हैं, बचपन में एग्जाम के टाइम समरी देख लेते हैं कि आज चलो एक नंबर वाला सवाल समरी से ही पूछेगा, और एग्जाम में भी वही आने वाला है, एक ही लाइन या एक नंबर का सवाल। तो यही रीजन है कि हम समरी सिनॉप्सिस, जो विद्यार्थी सिनॉप्सिस तैयार करता है, जो विद्यार्थी समरी तैयार करता है, वो रियल में वही पढ़ता है। आप किसी भी टॉपर्स के या किसी भी टॉपर्स या किसी भी अच्छे विद्यार्थी के पास, सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी जो नोट्स ज्यादा बनाते हैं, किताबों ज्यादा नोट्स प्रिफर करते हैं, उनके नोट्स में देखेंगे वो सिनॉप्सिस बनाते हैं, वो कहानियां नहीं लिखते हैं। वो जमाना चला गया कि कहानियां लिखनी पड़ेंगी। तो राजधानी स्थानांतरण जो है यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। 12 दिसंबर 1911 को, ज्यादा ये मतलब इसमें ज्यादा पढ़ाना नहीं है, 12 दिसंबर 1911 को इस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। और हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की जो राजधानी थी वो कहां स्थानांतरित की गई? कलकत्ता से दिल्ली। कहां की गई? कलकत्ता से दिल्ली। तो आपसे कभी पूछा गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग द्वितीय, यही हार्डिंग द्वितीय वही है जिसने गांधी को जुलू युद्ध और कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। क्योंकि अब क्या है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार नहीं बनेंगे, और गांधी 9 जनवरी 1915 को संपूर्ण रूप से अफ्रीका से भारत वापस लौटेंगे, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और गांधी के कहने पर ही भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार बनेंगे, जिसके कारण हार्डिंग द्वितीय इनको कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजेगा। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है? गांधी युग। हमने क्या कहा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी पूर्ण रूप से भारत लौटे, जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक दो सवाल काफी प्रचलित है इनके अफ्रीका से जुड़ा हुआ, जैसे कि गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां किया, तो गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में किया। जैसे दूसरा प्रचलित सवाल है कि गांधी ने अफ्रीका में किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो गांधी ने अफ्रीका में 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। एक और सवाल आजकल बड़ा फेमस हो रहा है कि नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल प्रांत है दक्षिण अफ्रीका में, तो सर आपको बताएंगे कि नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किसने किया, या नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन 1894 में गांधी ने किया था। लेकिन जब गांधी 1915 में भारत आए तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था अंबिका चरण मजुमदार के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, और 1916 में नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया था। इसी समय क्या था कि बिहार के मोतिहारी जिले में एक स्थान है चंपारण, और चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी से मुलाकात की और गांधी को चंपारण आने के लिए कहा।
क्योंकि गांधी ने अफ्रीका में 5 केसेस जीते थे और अंग्रेज जो थे वो गांधी से थोड़े दबे हुए थे, क्योंकि गांधी सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। जब भी कहीं आप शांतिपूर्वक सत्यता के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप पर लाठी चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब कभी आप भीड़ उपद्रव करने लगती है तो लाठी चार्ज हो जाता है। इसीलिए आंदोलन और क्रांति में यही डिफरेंस है कि जब भी क्या होता है, जो हिंसक रूप से होता है उसे क्रांति कहते हैं और जो हां अहिंसक रूप से होता है उसे आंदोलन कहते हैं। तो इसीलिए भारत में गांधी के द्वारा किया गया सर्वप्रथम सत्याग्रह जो था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में, हम लिख दे रहे हैं, भारत में गांधी के द्वारा किया गया, गांधी के द्वारा किया गया सर्वप्रथम सत्याग्रह। यहां पर क्या था कि तिनकठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। तिनकठिया पद्धति कहने का मतलब समझिएगा, तिनकठिया पद्धति कहने का मतलब आपके पास जितनी भूमि है उसके 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करना था। यहां के किसानों को नील की खेती करने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन जर्मनी में कृत्रिम नील की, आर्टिफिशियल कृत्रिम नील की खोज हो गई थी, जिसके कारण यहां के किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी लागत ही नहीं मिल पा रही थी। और जब उन पर दबाव डाला गया तो यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। और यही रीजन है कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी चंपारण गए और गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया और गांधी को सफलता प्राप्त हुई। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को किस उपाधि से नवाजा? महात्मा की उपाधि से। एकाध दो किताबों कुछ अपने आप को ज्यादा ही मॉडिफाई कर ले, उन पर मत जाइएगा। कभी भी सवाल आया कि गांधी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान मिली, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्लियर? ये भारत में पहला सत्याग्रह था। चलिए लिखना है तो लिख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो दूसरा भारत में इनका आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या हुआ था कि अहमदाबाद में प्लेग फैला था और यहां के मजदूरों को बोनस दिया जा रहा था, लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया तो बोनस को समाप्त कर दिया गया। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो यहां के मजदूरों की मांग थी कि कुछ दिन और बोनस को चलाया जाए। जब बोनस नहीं चलाया गया तो यहां के मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। इसीलिए मिल मजदूर के मालिक अंबालाल सारा भाई की बहन अनुसुईया बेन ने, मिल मजदूर के मालिक अंबालाल सारा भाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी को पत्र लिखा और गांधी अहमदाबाद आए। तो कभी भी पूछा गया कि गांधी अहमदाबाद किसके कहने पर आए, तो गांधी अहमदाबाद अनुसुईया बेन के कहने पर आए। और गांधी ने यहीं पर अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल अर्थात हंगर स्ट्राइक किया था और गांधी को सफलता मिली। यह सवाल बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा वन डे एग्जाम्स में, अधीनस्थ के एग्जाम में, कि गांधी ने अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया। तो कभी गलती मत करिएगा, गांधी ने अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान किया और गांधी ने भारत में अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया था। और अहमदाबाद के साथ साथ एक और सत्याग्रह था, वो था खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। ये कब था? 1919
18 को। बात क्या था कि अंग्रेजों ने नियम लाया था कि अगर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम है तो लगान नहीं लिया जाएगा। तो खेड़ा जो कि गुजरात में है, जहां पर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम था, जिसके बाद भी लगान लिया जा रहा था, इसीलिए मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक के कहने पर गांधी खेड़ा गए और गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया और गांधी को यहां भी सफलता मिली। तो मतलब 1915 में भारत आने के बाद गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण में, मैं बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है, यहां से सवाल बनेगा इस टॉपिक से, ठीक। उसके बाद सर्वप्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, इसे लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी कुछ महीने पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ही पास हुआ यह घटना। विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। अंग्रेजों ने भारत में रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट यह था कि किसी को भी संदिग्ध रूप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट लाया उसके तहत यह कहा गया कि कहीं पर भी अगर 2 से अधिक भारतीय एक साथ दिखें तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, या कहीं पर भीड़ हिंसक हो रही हो तो उन पर गोलियां चला दी जाए, जिसका रिजल्ट होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुआ। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ, तो रॉलेट एक्ट। ठीक, तो रॉलेट एक्ट क्या था? संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार करना। इसीलिए रॉलेट एक्ट को बिना वकील, समझिएगा, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाले कानून की संज्ञा दी गई। और यही नहीं, इसी एक्ट को काला कानून भी कहा गया। यह सवाल भी बहुत प्रचलित है, आपसे कभी पूछा गया कि काला कानून की संज्ञा किसको दी है, तो रॉलेट एक्ट को दी गई है। किसको दी है? सिडनी रॉलेट, जो प्रधानमंत्री था उसी के नाम पर यह एक्ट है, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। तो रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन कौन थे? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। और इस समय पंजाब का जनरल था ओ डायर। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कभी भी आपसे पूछा गया कि भीड़ पर गोलियां किसने चलाई, तो आप बस कह देते हैं जनरल डायर। कौन से डायर? ओ डायर की आर डायर? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आज मैं क्लियर कर रहा हूं इस क्लास में। तो इस समय पंजाब का जनरल ओ डायर था। ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई लोग मारे गए। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसी घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। नाइट मतलब होता है सर, यह उपाधि मिलती है। कभी भी आपको पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि किस आंदोलन के दौरान त्यागी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान त्यागी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जनरल कौन था? कि ओ डायर या आर डायर? तो आंसर होगा ओ डायर, क्योंकि ओ डायर के कहने पर ही आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई थी। और 1940 में हमारे उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने? उधम सिंह। यह है भारत, भी बहुत सारे हैं, यह है भारत में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 2
क्योंकि अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग कैसा लेंदी मत बनाइए, छोटे वीडियो बनाइए, इधर छोटा वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों देखिए, इसको जरूर देखिएगा, ये चीज लोग शुरू में बोलते हैं, मैं लास्ट में कह रहा हूं, आपको कई सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, इससे पैटर्न समझ में आएगा, सवाल बनने चालू हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, असफलता की कई कहानियां होती हैं और सफलता की एक ही कहानी होती है सफलता। आप सफल कैसे हुए ये जरूरी, लेकिन आप सफल होंगे कैसे ये सिर्फ आपको पता है, क्योंकि आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी हर क्लास में कहूंगा, आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो खुद को पहचान सकते हैं। अगर आप खुद को नहीं पहचान सकते हैं तो फिर आप पढ़ाई करना या इस दुनिया में जीना छोड़ दीजिए। संतुष्ट मत होइए, हमेशा पाने की इच्छा रखिए। आप संतुष्ट हो गए तो मतलब आप एक मृत शरीर हो गए। तो सेहत का ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे किसी दिन इसी के पार्ट टू के साथ। यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, तब तक के और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आप पिछली बार तरह, पिछली बार की बात, इस क्लास अच्छी थी, चीजों में सुधार हुआ, आप ही हमारे सुधार का कारण बनते हैं। और मुस्कुराते रहिएगा, और तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।